नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनुज पाल सिंह। पलवल होडल शहर की अंधुआ पट्टी निवासी एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर ले जाने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया है, जहाँ अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस के साथ बैठा दिखाई दे रहा यह युवक एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करके ले जा रहा था। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि होडल की अंधुआ पट्टी निवासी नाबालिग छात्रा सुबह अपने घर के बाहर मौजूद थी। इसी दौरान एक युवक उसके पास पहुंचा और किसी स्थान का पता पूछने के बहाने उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया। बाद में उक्त युवक लड़की को डबचिक पर्यटन केंद्र पर ले गया। वहाँ पर जब युवक उस लड़की के साथ पार्क में घूम रहा था तो डबचिक केंद्र के कर्मचारियों को शक हो गया। कर्मचारियों ने उक्त युवक से लड़की के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बता सका। इसके बाद डबचिक स्टाफ ने मामले की सूचना लड़की के परिजनों को दे दी। परिजनों ने मामले की शिकायत थाना पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अफसर खान निवासी गाँव सिंगार बताया गया है। आरोपी युवक शहर में किसी दुकान पर मजदूरी का कार्य करता है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। सर, क्या मामला है? जो आपने एक अपहरण का मुकदमा दर्ज किया, आरोपी गिरफ्तार किया, क्या मामला है सर, बताएं। कल श्री शेर सिंह है, वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। उसने इतना दे दी कि मेरी लड़की 13 साल की है, गुम हो गई है। तो हमने तुरंत ही उसकी तलाश की, तलाश कर ही रहे थे, इतने एक टेलीफोन डबचिक से आया मेजर ब्रह्म सिंह का। उसने कहा एक बच्ची है, एक लड़का है, हमने पकड़ रखे, हम आओ तुरंत पहुँचे, हम उनको यहाँ ले गए पूछताछ करी। तो लड़का उस लड़की को बहका के ले गया था कि मैं तेरे को क्या खाना पसंद करती है क्या नहीं। तो उसने बच्ची थी, उसने कहा मैं छोले भटूरे खाना चाहती हूँ। तो वो यहाँ से सदी के तालाब पे लेगा, यहाँ से फिर हसनपुर चौक लेगा, उसके बाद वो डबचिक लेगा। तो तुरंत ही हमने उसको काबू, आरोपी को काबू कर लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया है, आज पेश अदालत करेंगे। आरोपी का क्या नाम सर? आरोपी का नाम है जी अफसर खान। कहाँ का रहने वाला सर? जी काम सिंगार का रहने वाला है। तो कौन कौन सी धारा में इस 363 366 ए IPC में? क्या इसका रिमांड में लेंगे? नहीं रिमांड। तो सर इसके साथ और कोई बंदा है? नहीं, वो वेरीफाई कर लिया, कोई ना अकेला ही आया था अपने काम से। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।